बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम असलम वीवर कैसे हैं आप उमीद करती हूँ खरीय से होंगे मेरी दुआ है आप सब हमेशा खुश रहें अल्लाह पाक आप सब की दुआएं कबूल फ़रमाएँ अल्लाह पाक आप सब को ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे आमीन वीवर हम आम गए थे बर्मिगम सिटी सेंटर में तो वहाँ ये वीडियो मैंने बनाई थी जो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ यह बुलरिंग का इन साइड का व्यू है क्योंकि हमने जहाँ गाड़ी पार्क की थी वो बुल रिंग के साथ ही कार पार्क था तो वहाँ हमने गाड़ी पार्क की और फिर बुल रिंग के अंदर से गुज़र कर हम बाहर गए थे टाउन में यह सारा बर्मी टाउन सेंटर है सिटी सेंटर बर्मी का यह सारा तो अभी क्रिसमस आने वाली है अभी कुछ दिन ही बाकी हैं तो क्रिसमस से पहले फाइव सिक्स वीक पहले जो है ना वो जर्मन मार्केट यहाँ लगती है बर्मिगाम सिटी सेंटर में और जर्मनी से लोग आते हैं तो इधर यहाँ मार्केट लगाते हैं मार्केट मतलब हर किस्म की मतलब चीज़ें सेल करते हैं ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सेल करते हैं और और भी चीज़ें होती हैं ये बहुत लंबी मार्केट है बहुत लंबी एक रोड है भर्मी टाउन सेंटर में तो उसके मिडल में दरमियान में मतलब सब ने मार्किट लगाई हुई है वैसे बहुत ख़ूबसूरत होती हम मतलब आफ्टरनून गए थे पर थोड़ा थोड़ा उस वक़्त मतलब अंधेरा होने वाला था तो जब अंधेरा हो जाए ना नाइट टाइम उस वक़्त और ज़्यादा ख़ूबसूरत लगती है क्योंकि वहाँ उन्होंने लाइटें ही लाइटें लगाई हुई होती हैं बहुत खूबसूरत भी होता है बहुत नाइस ब्यूटीफुल ये देखें ये खाने की मतलब उन्होंने कुछ खा, कुछ ने खाने की लगाई हुई है और कुछ ने मतलब और छोटी छोटी चीज़ें मतलब नाइस से आगे, आगे आगे आप देखें बहुत नाइस पर इतना बिजी था कि आपको क्या आप तो बहुत ज़्यादा बिज़ी था पर जब हम गए थे उस वक़्त फिर भी थोड़ा ठीक था पर जब हम वापस आए उस वक़्त तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहा था क्योंकि शाम के वक़्त ज़्यादा बिज़ी हो जाता है इन दिनों में क्योंकि ये मार्केट लगी हुई है ना तो सब इधर आते हैं इन्जॉय करते हैं बहुत कुछ उन्होंने रखा हुआ था बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें थी पर एक बात थी कि महंगी में, बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने लगाई हुई थी बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें जब वह जर्मनी से आते हैं तो इधर फाइव सिक्स वीक के लिए इधर आकर मार्केटें लगाते हैं तो ज़रा फिर महंगी चीज़ें सेल करेंगे तो उनकी मतलब वो कुछ बनेगा उनके लिए क्रिसमस से दो दिन पहले वो वापस चले जाते हैं जर्मनी और फाइव सिक्स वीक वीक इधर ही रहते हैं ये देखें कितने ये देखें कितने लोग आए हुए हैं बहुत ज़्यादा आयु हुए था बहुत ज़्यादा बहुत दुनिया आई हुई थी इधर अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक था बाद में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था वापसी पर रास्ता ही नहीं मिल रहा था किधर से गुजरें ये देखें सिटी सेंटर भी कितना बड़ा है बर्मी मैंने दो वीडियो बनाई है एक ये और ये पार्ट वन वो एक मैंने दूसरा पार्ट भी बनाया है दो पार्ट बनाए दो पार्ट में मैंने बनाई है वीडियो वैसे जो डेकोरेशन पीस थे ना वो भी बहुत ज़्यादा नाइस थे ये देखें ये बिस्किट रंग रंगों के बिस्कुट उन्होंने रखे हुए थे डिफरेंट 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 रंग डिफरेंट साइज डिफरेंट डिज़ाइन वैसे बर्मीगाम सिटी सेंटर भी बहुत बड़ा है क्योंकि इंग्लैंड में पहले नंबर पर जो बड़ी सिटी है वो तो लंदन है पर दूसरे नंबर पर बर्मीगाम है बर्मीगाम बहुत बड़ा है वैसे सिटी सेंटर भी उसका फिर बहुत बड़ा है ये देखें ये पत्थर की चीज़ें बनी हुई हैं ये डेकोरेशन पीस हैं वैसे बहुत प्यारे हैं वैसे हमने खाने के लिए खाना लिया था पर इस तरह की वैसे कोई चीज़ हमने नहीं ली एक छोटी ली थी मेरी बेटी ने अपने बेटे के लिए पर और हमने कुछ खास नहीं लिया खाने पीने की चीज़ें ली थी ये देखें ये कितनी प्यारी हैं कितने प्यारे लैम्प्स वैसे पहले मैं जहाँ भी जाती थी इस तरह की चीज़ें ले ही आती थी मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं पर फिर रखने के लिए भी जगह चाहिए और मेरे पास वैसे ही बहुत हैं पहले ही क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा लेती थी जिधर भी मैं जाती थी ना इस तरह की चीज़ें लेकर आती थी पर अभी मैं नहीं लेती ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा अगर पसंद आ जाए फिर ले लेती हूँ पर ज़्यादा नहीं क्योंकि इनके रखने के लिए कि फिर जगह चाहिए ना तो ये देखें ये इन्होंने कितना प्यारा सजाया हुआ विंडो क्रिसमस फादर भी लगाया हुआ है बठाया हुआ है इसको ये देखें ये कितनी खूबसूरत बनाई हुई है इन्होंने सारे यहाँ आगे खड़े होकर पिक्चर बनवा रहे थे वैसे क्रिसमस पर रौनक बहुत होती है जब भी आप शॉपिंग सेंटर में या टोन सेंटर में इस तरह की जगहों पर जाए ना तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है लाइटिंग बहुत ज़्यादा की हुई होती है सब ने ये देखें ये भी ख़ूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने जिस दिन हम गए मार्किट में इस दिन मौसम वैसे ठीक था इससे पहले कुछ दिन कुछ दिन क्या मतलब हफ्ता दो हफ्ते बहुत सर्दी थी बहुत सर्दी पर इस दिन हमने सोचा था कि हम उस दिन जाएंगे जिस दिन थोड़ा मौसम ठीक होगा तो इस दिन मौसम थोड़ा ठीक था तो हम फिर चले गए ये देखें ये डोनट हैं ये इन्होंने ढाई पौन का एक लगाया हुआ है टेन पौंड के चार डोनट इन्होंने लगाए हुए हैं देखिए कितने महंगे थे ये देखें ये कितने नाइस हैं ये लैंप लैंप किस्म के लैंप ये छोटे छोटे इन्होंने बनाए हुए हैं ये क्रिसमिस फादर छोटे छोटे बनाए हुए हैं इन्होंने ज्यादातर जो चीज़ें ना उन्होंने इस तरह की रखी हुई क्योंकि क्रिसमिस है तो फिर लोग ज़रा लेकर जाएंगे पहले टोन ही था सिटी सेंटर वहाँ ही ज़्यादातर शॉपिंग के लिए जाते थे पर अभी जो है ना बाहर भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग सेंटर बन गए हैं तो फिर ज़्यादातर लोग उधर ही शॉपिंग के लिए चले जाते हैं क्योंकि वहाँ जो कार पार्क है ना शॉपिंग सेंटरों में वो कार पार्क फ्री हैं पर जो सिटी सेंटर है ना उनके जो कार पार्क है ना वो पैसे लेते हैं कार पार्क के लिए तो वैसे अगर बाहर थोड़ी कार पार्कें जो वैसे या रोड पर उधर जो टोन के मतलब साथ में जो रोडें हैं ना उन पर भी गाड़ी अगर पार्क करें तो वहाँ भी पैसे लेते हैं पर वो थोड़े कम लेते हैं पर जो कार पार्क है ना बनाए हुए उन्होंने वहाँ वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं और जो बाहर के शॉपिंग सेंटर है उनमें फ्री कार पार्किंग है वो जब भी जाते हैं टोन में मेरी बेटी मैं ज़्यादातर अपनी बेटी के साथ ही जाती हूँ तो वो ज़्यादातर उन्हीं कार पार्क में गाड़ी पार करती है जो टोन के पास है तो वो बहुत महंगे होते हैं तो ठीक है वीवर आपने वीडियो एंजॉय किया होगा अभी ये पार्ट आप देख रहे हैं तो आप नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी बहुत नाइस नाइस वो भी नाइस है मतलब वीडियो और ये भी नाइस है और वो भी बहुत नाइस है तो आप ज़रूर इन्जॉय करना ये देखें ये क्रिसमस ट्री कितनी नाइस बनाई हुई है उन्होंने ठीक है वीवर थैंक यू फॉर